सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के तरन तारण जिले में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भीखी विंड सब डिवीजन के दलगांव के पास ये घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। 5 घुसपैठियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से एक राइफल और एक बैग भी मिला है। मुठभेड़ तरन तारण जिले में ढल पोस्ट के पास हुई। बीएसएफ के सीनियर अफसर ने बताया कि जवान रोज की तरह गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें ढल के सरहदी गाँव के पास पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग भारतीय सीमा में दाखिल होते नजर आए। उसके बाद जवान अलर्ट हो गए। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस के स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और आतंकी के बीच कुछ राउंड फायरिंग भी हुई थी। आतंकी के पास 2 आईईडी और एक पिस्टल मिले हैं। आईईडी को प्रेशर कुकर में फिट किया गया था। आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। वो लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की फिराक में था। यूसुफ कई इलाकों में रेकी कर चुका था। देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा शुक्रवार को 55,928 हो गया। पिछले 24 घंटे के अंदर 953 मरीजों की मौत हुई। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 339 मरीजों की मौत हुई। यहां मरने वालों का आंकड़ा अब 21,698 हो गया है। 21 दिनों में संक्रमण के चलते 19,402 मरीजों की मौत हो गई। इसके पहले जुलाई में 19,142 और जून में 12,400 संक्रमितों की मौत हुई थी। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल 22 अगस्त से शुरू होगा। देश भर में 20 केंद्रों में वैक्सीन का ट्रायल होगा। इनमें मुंबई, पुणे और अहमदाबाद शामिल हैं। ट्रायल में 1600 लोग शामिल होंगे। पहले दिन करीब 100 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल देश का सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरठ में एनसीईआरटी की 35 करोड़ की डुप्लीकेट किताबें पकड़े जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। शनिवार सुबह एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शिक्षा नीति में बदलाव करने वाली भाजपा पहले अपने उन नेताओं को नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए जो करोड़ों रुपए के नकली किताबों के गोरख धंधे में संलिप्त हैं। सपा अध्यक्ष ने लिखा कि नकली ईमानदारी का चोगा ओढ़े लोगों का सच अब सामने आ गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने पर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को बधाई दी है। बीसीसीआई ने ट्वीट किया, रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने पर आपको बधाई। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान, ये पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर। हमें आप पर गर्व है हेटमैन। रोहित को 2015 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। बिहार के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त बाईपास सड़क बनाने की योजना पर पथ निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। जिलों से आए प्रस्तावों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। विभाग की कोशिश है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष से ही निर्माण शुरू हो जाए। बिहार के 31 जिलों में बाईपास या तो है या बन रहा है। विभाग जरूरत के अनुसार उन जिलों में बाईपास बनाने की दिशा में काम कर रहा है जहां जाम की समस्या अधिक है। पहले से बाईपास होने पर भी विभाग वहां नई सड़क बनाएगा। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई के लोग बिजली के बिल को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। कोरोना संकट के समय बिजली ने अनाप शनाप बिलों से महाराष्ट्र के लोगों की नींद उड़ा दी है। लेकिन अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार लॉकडाउन के दौरान आए बिजली के बिलों पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इस पर कैबिनेट ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इस योजना का फायदा महाराष्ट्र के 1 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सरकार ने गणेश उत्सव आयोजन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत प्रतिमा स्थापित किए जाने से पहले और विसर्जन के दौरान जुलूस नहीं निकाले जाने चाहिए। कहा कि शनिवार से शुरू हो रहे गणेश उत्सव को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सादगी से मनाएं और भीड़ जुटाने से बचें। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से भी अनुरोध किया कि महीने के अंत में पड़ने वाले मुहर्रम के दौरान भी भीड़भाड़ से बचें। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की धूम है। आरती से लेकर मंगल गायन किया जा रहा है। मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आरती की गई। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सतर्कता का पालन किया जा रहा है। दिल्ली के द्वारका में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश भगवान की विशालकाय मूर्ति की पूजा की गई।